आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरों का है, जहां अंतरा के व्यापारी अतुल गुप्ता हत्याकांड को लेकर बबेरू व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष गुप्ता की अगुवाई में कैंडल मार्च मणिढाई मंदिर से निकाला। मणिढाई मंदिर से कमासिन रोड मुख्य मार्केट से होते हुए मुख्य चौराहा आकर अद्भुत शिव मंदिर चौराहे में कैंडल मार्च का समापन किया गया। वहीं व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बीपी अग्निहोत्री, डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता, वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि अतुल गुप्ता अटरा निवासी को बंधक बनाकर जिस तरह से बेरहमी से मारपीट की गई, सोशल मीडिया में वीडियो देखने को मिल रहा है और दूसरे रेलवे ट्रैक की हत्या कर फेंक दिया गया ताकि हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। हत्या में संलिप्त सभी अपराधियों पर कठोर कार्यवाही की जाए। प्रशासन हत्यारों पर कार्यवाही करने में ढुलमुल रवैया अपनाए तो व्यापार मंडल रणनीति बनाकर संपूर्ण जिले में आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्त, नारायण गुप्त, रामलखन चौरसिया, लक्ष्मी नारायण गुप्त, शिवा सोनी, किशन गुप्ता, रामू गुप्ता, अमित गुप्ता, के महंत, गोविंद गुप्ता, शशि गुप्ता, राजन गुप्ता, पंकज श्रीवास्तव, शिव गोपाल सोनी सहित सैकड़ों व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए अतुल गुप्ता के हत्यारों पर कठोर कार्यवाही एवं मृतक के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। साथ ही बृहद आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज अतुल गुप्ता हत्याकांड के लिए हम लोगों ने मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाला है, जो कि रामनवमी के दिन अतर्रा मॉडल साहब में उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी। उसके बाद रेलवे ट्रैक पर उसको फेंक दिया गया था। शासन प्रशासन को आगाह करने के लिए हमने आज मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया है और यदि अगर इस पर कार्रवाई तत्काल नहीं होती है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और यदि अगर नहीं होती तो पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी एकजुट होकर पूरा व्यापारी सड़कों पर आंदोलन करेगा और कार्रवाई के लिए कठोरतम कार्रवाई के लिए मांग करेगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनीष गुप्ता, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल बबेरू। आपका नाम और पद क्या? मैं वीरेन गुप्ता, पूर्व में व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज कैंडल मार्च क्यों निकाली गई? आज वास्तव में कैंडल मार्च की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि विगत 4 दिनों से, एक हफ्ते लगभग होते जा रहा है, कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी सारे सरेआम घूम रहे हैं। व्यापारी ये चाह रहा है कि ऐसे जनप्रिय मुख्यमंत्री के शासनकाल में अगर ऐसी घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति होगी तो व्यापारी आंदोलित हो जाएगा, जिसका पूरा खामियाजा सरकार को भी उठाना पड़ सकता है। आज व्यापारियों ने ये सर निर्णय लिया था कि हम लोग मौन जालू निकालेंगे और साथ में ही कैंडल मार्च निकालेंगे, ताकि प्रशासन को चेताया जा सके कि व्यापारी अभी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना चाहता है। अगर शासन ने सही ढंग से कार्रवाई करते हुए अपराधियों को कड़ी सजा नहीं दी तो उसके बाद व्यापार मंडल व्यापारी बाध्य होगा अगली रणनीति बनाने के लिए, जो व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारियों के साथ मिल बैठकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस आंदोलन को हमको किस राह पर ले जाना है। बांदा जिला संवाददाता R9 भारत से शिव विलास शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।